नमस्कार, द रूस्टर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। काला फिल्म कल सुबह रिलीज हो रही है और आप मेरे साथ देख सकते हैं तमाम वो फैंस हैं जो रजनीकांत के लिए अपने जी जान से यहाँ पे काम करते हैं, होर्डिंग्स लगा रहे हैं। रात के अभी 10 बज रहे हैं और सुबह 10 बजे का यहाँ पे पहला शो है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आप कितने बड़े फैन हैं काला के, मतलब रजनीकांत के। बिग फैन मीन व्हेन आई एम वर्किंग माय ऑफिस व्हेन रजनी बर्थडे आई यूज्ड टू गिव स्वीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट फॉर ऑल द पीपल इन माय ऑफिस। या आई एम द स्पेशल गेस्ट हियर, वी हैव कम फ्रॉम बैंगलोर टू वॉच दिस मूवी बिकॉज़ सी इन कर्नाटका द फिल्म इज नॉट रिलीज्ड, सो वी हैव कम हियर विद माय फैमिली। With my family, I have my wife, I have my daughter with here. So he is my brother-in-law. Excellent. And we went to Kaala shooting near film institute. So he has taken photograph with superstar. So if you listen to him, if you look at him, he also resembles a bit of Rajinikanth, right? He also resembles a bit of Rajinikanth. Anyways, this gentleman had come all the way from Bangalore. We have to give a big applause to him, right? A big hooting to him. Anyone give four tickets, we are ready to salute them. You didn't got tickets yet, okay? No. They are also in the queue. One person came from Sri Lanka, another from Bangalore, right? Another from Bangalore, and this is what Rajinikanth magic is. देखिए देखिए जो जुड़ाव है लोगों का, वो इतनी दूर से लोगों को खींच के लेके आ रहा है। एक इंसान है जो श्रीलंका से आए हैं, एक पूरे परिवार के साथ बैंगलोर से चल के आ गए हैं, सिर्फ इस वजह से कि बैंगलोर में ये फिल्म जो है बैन हो चुकी थी, रिलीज नहीं हुई है। हरीश साहब हमारे साथ हैं, आप आगे आइए सर। जो मैं भी ऐसा था कि मैं दिल्ली से फ्लाई हुआ। आप दिल्ली से आए और बताइए, देखिए बैंगलोर श्रीलंका, आप दिल्ली से भी लोग दिल्ली से फ्लाई हुआ के देखने के लिए काला। अगर बेंगलोर में भी रिलीज नहीं है ये फिल्म, अगर हो तो मेरा अच्छा। जीजा जी के साथ देख लेते। आप लोगों में किसी को अल्बर्ट थिएटर के बारे में पता है? और अरे बहुत अच्छा पता है मेरा जीजा जी को। देखिए अल्बर्ट थिएटर में आगे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, अल्बर्ट थिएटर एक ऐसी जगह है चेन्नई में जहाँ पर खुद सुपरस्टार कई दफा यहाँ पर आए हैं सिनेमा देखने के लिए। और जो यहाँ का जो माहौल होता है, अगले दिन सुबह यहाँ पे आप नहीं खड़े हो सकते हैं, यहाँ पर तमाम तरह के लोग ढोल नगाड़ों के साथ आएंगे यहाँ पर। आप वो पूरी, मतलब किसी को टिकट मिले ना मिले, लेकिन जो दृश्य यहाँ पे जो देखने को कल मिलेगा वो आप शायद ही कभी जिंदगी में आप देख पाएंगे। सिनेमा लोग बाद में देखते हैं, दूसरे तीसरे दिन देखते हैं, लेकिन जो यहाँ पे माहौल होता है वो बहुत बेहद खूबसूरत होता है, बहुत एक्सक्लूसिव होता है, जो आप कभी नहीं देख सकते हैं। आई हैव कम टू दिस थिएटर इन 1985 एंड सॉ पडिक्कादवन विद शिवाजी गणेशन एंड रजनीकांत इन दिस ग्रेट थिएटर। देखिए कितना जोश है, कितनी उमंग है यहाँ पे काला को लेके। मेरे ख्याल से इस तरह के जो फैंस हैं ये जब तक हैं रजनीकांत की, वो तमाम फिल्में सुपर डुपर हिट होंगी जो ये आपके लिए हमारे लिए लेके आते हैं। और डेफिनेटली रजनीकांत साहब जो हैं वो एक तरह के एक अलग कलाकार हैं, जिनके सिनेमा के लिए या फिर किसी और भी कलाकार के सिनेमा को बैन करना उतना ही गलत है जितना आप किसी और चीज के लिए करते हैं। बने रहे हमारे साथ रूस्ट न्यूज, जो आपको ये तमाम इन लोगों की खबरें जो है आप तक पहुंचाता रहेगा। काला के हिट होने की शुभकामनाएं, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वो तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेके आते हैं। नमस्कार।